अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, आई थिंक अब गुड आफ्टरनून नून होने वाला है। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। अगर जो अच्छे हैं तो मैंने कुछ दिन पहले कल परसों तक शॉर्ट लगाया था जनाब जी। तो वो शॉर्ट था पाकिस्तान का नंबर वन क्रेजीएस्ट एंड अमेजिंग ड्रिंक का शॉर्ट था। तो मुझे भी बहुत जिस तरह का वो जिस नाम है उस ड्रिंक का वैसे ही क्रेज़ी, तो मुझे क्रेजीनेस मुझ में हुई कि मुझे भी ये ड्रिंक बनाना है। जैसे उसका स्मोक उठता है ऐसा स्मोक हमें भी जो कुछ चीज़ बनाए तो वैसे ही उठे। तो अब देखते हैं क्या बनता है, क्या बना और कितना स्मोक उठा, या मेरे में वो इंग्रेडिएंट नहीं है आग लगाने वाला तो इस वजह से स्मोक नहीं उठा। क्या कह सकते हैं अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहरहाल जिन्होंने वो बनाया था पहले नंबर पे पाकिस्तान पे रिस्पेक्टेबल पर्सन है। अक्सर अच्छी चीज़ें बहुत अक्सर नहीं है समटाइम, क्या वर्ड नहीं कह सकती, मतलब न्यू न्यू चीज़ें खानों में वो ट्राइस करते रहते हैं। उनका एक जुनून है इस चीज़ में, इस फील्ड में। तो मैं भी शायद मेरे बनाने में कोई कमी रह गई हो, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, शायद आपके ड्रिंक से स्मोक धुआं उठे, आप में ये धुआं स्मोक ज़्यादा हो, आग लगाने का इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो तो ज़्यादा धुआं उठे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वो जो पाकिस्तान का फर्स्ट पहली दफ़ा बनाया गया था क्रेजीएस्ट ड्रिंक जो किसी ने बनाया था, आपको उनका नाम भी पता है। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ, सेकंड पर्सन मैं हूँ जो ट्राई करने लगी हूँ। ये आपके सामने चीज़ें हैं, ठीक है, ये आइस है। तो अब इसमें मैं कुछ आइस क्यूब्स डालती हूँ, ठीक है। जितना ये छोटा ग्लास है आई थिंक सो के इसमें इतना ही बहुत है, इतनी आइस बहुत है। एक एक चीज आपके सामने मैं इंक्लूड कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ, ठीक है। ये देखें सम जेलिस। अब मैं दिखाती हूँ, ये पाइनएप्पल जूस है, ठीक है। अब ये स्प्राइट है, अब देखिए इसका टेक्सचर वैसा आता है कि नहीं आता, वो जो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा फूल गया। ये देखें, कुछ भी नहीं हुआ यार, सब फेक है, सब झूठ है। सिर्फ और सिर्फ जो बीच में एक इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट होता है ना वो स्किप कर दिया जाता है। अब आपके सामने ही है, जेलिस भी है, पाइनएप्पल जूस भी है और स्प्राइट भी है। कुछ धुआं उठा, कुछ भी नहीं उठा। वो आइस होती है, आई थिंक वो आइस होती है, वो जो स्मोक वाली आइस होती है ना जिससे धुआं उठता है। बहरहाल अब इसको पी के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अजीब ही टेस्ट है, ना पता चला फंट स्प्राइट है, ना पता चला अनानास है।
बहरहाल आपने देख लिया। तो अब हम इस ड्रिंक को पीते हैं, खुद ही पीना है, खुद ही बनाना है। एक अच्छी बात हो गई इस ड्रिंक की, क्या इस ड्रिंक की ये अच्छी बात हो गई फ्रेंड्स कि इस ड्रिंक में हमें सारा कुछ इकट्ठा ही मिल गया। आइस क्यूब्स, जो कि मैं आइस खाती हूँ बहुत ज़्यादा फ्रीज़र से निकाल के, अब मैंने काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, 100 में से 99% तो छोड़ दिया। और जेलीज भी मिल गए, इकट्ठा ही सारा काम हो गया। जेलीज पर जो जेलीज रह जाती हैं वो नीचे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है, पहले ही इतनी नरम होती जेलीज, तो फिर लिक्विड में रह के और ही टेस्टी हो जाती हैं। आप लोग भी ट्राई करना, मे बी आप लकी पर्सन हो, वो स्मोक वो धुआं आपके ड्रिंक से उठे। मुझे असल में शौक़ था इस ड्रिंक को इसलिए बनाने का कि जो इसका जो स्मोक उठता था ना, वो मैं कहती थी कि यार मुझे भी ये चीज़ करनी है, मुझे भी ये चीज़ देखनी है। पर